अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड कोलीग्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज वी नो, दिस इज एग्जाम्स वीक एट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, और एग्जाम चूंकि हम गूगल फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं, सो ऑनलाइन एग्जाम्स में सर हमने देखा कि स्टूडेंट्स किसी वजह से गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स ड्यू टाइम में सबमिट नहीं कर पाते, और हम जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिस्पॉन्स यहाँ से लेना वो क्या है स्टॉप कर देते हैं। सो फिर हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आने लग जाती है कि सर काइंडली आप जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ऑन कर दें गूगल फॉर्म के, ताकि हम अपना जो एग्ज़ाम है वो सबमिट कर सकें। आई एम नॉट श्योर अबाउट दी अदर्स, बट एटलीस्ट मुझे ये जो इशू है ये काफ़ी टाइम फेस करना पड़ा है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एक तो हम टाइमर ऐड कर देंगे इस गूगल फॉर्म के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स को एक टाइमर डिस्प्ले हो जिसमें उन्हें रिमेनिंग टाइम नज़र आए, एंड एट द सेम टाइम अगर स्टूडेंट्स विद इन ड्यू टाइम फॉर्म सबमिट नहीं करते तो उनका फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो जाए। सो इस तरह से जो इश्यूज स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती हैं कि सर मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो सका, तो ये इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। सो इसके लिए मैंने ये एक गूगल फॉर्म जो हम रूटीन में हम लोग क्रिएट करते हैं, ये मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया है, और इसमें मैंने रेंडमली टू क्वेश्चन ऐड किए हैं। और अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल में मैंने इसे कलेक्ट ईमेल्स किया हुआ है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से लिमिट टू वन रिस्पांस कर देता हूँ। प्रेजेंटेशन में यहाँ पे हमारे पास शफल क्वेश्चन ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो इट्स योर चॉइस। सो शो प्रोग्रेस बार एंड क्विजेज में जाके आप यहाँ से इसे मार्क मेक दिस एज क्विज, और लेटर आफ्टर मेनू रिव्यू एंड देन क्लिक ऑन सेव। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको टॉप राइट कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल के साथ और सेंड आइकॉन जो है उनके बीच में थ्री डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएं तो आपको यहाँ पे ऐड ऑन्स नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से सर्च करेंगे इसके सर्च बार में एक्सटेंडेड फॉर्म्स और सर्च, आपको यहाँ पे ये एक ऐड ऑन नज़र आ रही है एक्सटेंडेड फॉर्म्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन इसको यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू, और यहाँ से अपना ईमेल आईडी चूज़ करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से आप इसको अलाउ करेंगे एंड देन नेक्स्ट डन ओके, और इसको फिर आप यहाँ से इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। और इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे एक और आइकॉन नज़र आ रहा है एड ऑन्स का, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म में आपने जो जो एड ऑन्स ऐड की होंगी, एक्सटेंशन ऐड की होंगी, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इसमें हमने अभी चूंकि ये एक्सटेंडेड फॉर्म्स की ऐड ऑन ऐड की है, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पे साइड पे एक न्यू विंडो ओपन हो गई है इसी गूगल फॉर्म के अंदर, और इसके बाद आप यहाँ से फिक्स सेटिंग्स करेंगे ओके। इसके बाद यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ऐड हो गया, आप इसको यहाँ से जाके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, नो इशू। इसके बाद आप यहाँ से टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितना टाइम स्टूडेंट्स इसको ओपन करने के बाद कितने टाइम में इसको सबमिट कर सकते हैं। सो सपोज़ मैं इसको यहाँ से 2 मिनट्स कर देता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद रिस्ट्रिक्ट अटैम्प्ट्स, सो इसको आप कितनी बार स्टूडेंट एक इस फॉर्म को कितनी बार सबमिट कर सकता है या अटैम्प्ट कर सकता है इसको, सो इसको हम 1 ही रखेंगे। और इसके बाद ऑटो सबमिट आफ्टर टाइमर एंड्स, अगर टाइमर एंड होता है तो उसके बाद ये फॉर्म क्या है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए, सो इसको भी आप चेक करेंगे या अनचेक करेंगे, ठीक है। सो चूंकि हम इसको चाहते हैं कि स्टूडेंट का फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए टाइम एंड होने के बाद, सो इसको हम यहाँ से इसको चेक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो शेयर लिंक है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म लिंक कॉपीड, आपका लिंक जो है कॉपी हो गया है, और इसको मैं यहाँ से जाके ये डिलीट कर देता हूँ। सो डेमो टेस्ट में जाके ये मैंने क्लास क्रिएट की है, और इसमें मैंने एक स्टूडेंट को एज ए अपना दूसरा जो ईमेल आईडी है उसको मैंने एज ए स्टूडेंट ऐड किया है, ताकि इसको इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाई जा सके। सो इसके लिए हम क्लास वर्क में जाते हैं और यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ क्विज असाइनमेंट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ फाइनल एग्ज़ाम डेमो, फाइनल एग्ज़ाम डेमो, और यहाँ से मैं इसको क्लोज करके ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से लिंक मैं दे देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किया, और यहाँ से ऐड लिंक, और यहाँ से आप मार्क्स इसके दे देंगे लाइक 2 पॉइंट्स हैं इसके। सो इसके बाद हम यहाँ से ड्यू डेट एंड टाइम सेलेक्ट करते हैं, और ड्यू डेट में हम आज की डेट ही जो कि 5 जुलाई है,
और इसके बाद टाइम ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना फॉर्म आपका जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सेज लेना ऑफ कर देगा उस टाइम के बाद। और इसके बाद टॉपिक में अगर आप इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे एग्जाम्स अगर कहना चाहते हैं तो आप एग्जाम कह दें, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। और इसको इसके बाद आप यहाँ से अगर मेक श्योर कि आपने यहाँ से रिस्पॉन्सेज क्या है, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज के ऊपर आपने किया होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से जाके इसको असाइन पे क्लिक करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपकी गूगल क्लासरूम में पोस्ट हो गया है। और अगर मैं अपनी क्लासरूम में जाऊँ एज ए स्टूडेंट जिसको मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो न्यू क्वेश्चन अभी अपलोड हुआ है वो ये आपके सामने आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ से वो गूगल फॉर्म का लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, साइन इन टू SP2021, ये मेरे जो गूगल फॉर्म का नेम है वो नज़र आ रहा है। इसके बाद आप कंटिन्यू विद, आप नहीं सॉरी, स्टूडेंट जो इस पेपर को अटेम्प्ट करेगा वो यहाँ से कंटिन्यू विद जीमेल। सो यहाँ पे रेडी टू डाइव इन मीन्स कि वो कह रहा है इस पेपर को अटेम्प्ट करने का टाइम 2 मिनट्स है। अगर आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपका जो पेपर है, जो आपका जो काउंट डाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो गेट स्टार्टेड, सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक टाइमर आ रहा है टॉप टॉप सेंटर में। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसके करस्पॉन्डिंगली आंसर करेंगे। ईमेल ऑटोमेटिकली आ गया चूँकि उसने साइन इन के टाइम ईमेल आईडी कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, सपोज मैं इसको सब इसका आंसर करता हूँ यहाँ से 4। सो अब अभी मैं इसको खुद से सबमिट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द टाइमर टू सबमिट दिस फॉर्म ऑटोमेटिकली। सो ये मैंने अभी एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, दूसरा मैंने इंटेंशली इसको अभी अटेम्प्ट नहीं किया। सो यू कैन सी योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड। सो अब अगर हम यहाँ पे गूगल जो फॉर्म है हमारा, सो अगर हम यहाँ से इसके रिस्पॉन्सेज देखें, तो यहाँ यू कैन सी हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। सो दैट्स इट, आई होप दिस विल हेल्प यू अ लिटिल बिट इन कंडक्टिंग योर एग्जाम्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।